शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। माता के जयकारों से गूंज है मंदिर। तीन महीने बाद देश में 600 से कम हुई मौत। 24 घंटे में आए 55,000 नए मरीज। कुल 75,00,000 संक्रमित मरीज। मल्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल एसटीएफ ने लखनऊ से किया था गिरफ्तार। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर झगड़े में ली थी एक की जान। प्रदेश में आज फिर सड़कों पर उतरेंगे सपा कार्यकर्ता। बढ़ते अपराध, लूट और दुष्कर्म के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। उपचुनाव वाली जगह छोड़ राज्यपाल को जिलाधिकारियों के माध्यम से सौंपेंगे ज्ञापन। उन्नाव में घर से निकले तीन बच्चे हुए लापता। तीनों के कपड़े मिले गंगा के किनारे। पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। करीब 8 महीने बाद आज यूपी में खुले स्कूल और मदरसे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र आ सकेंगे स्कूल। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पूरा पालन। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 8 महीने से बंद स्कूल आज खोल दिए गए। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के ही छात्रों को पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है। स्कूल में कोविड-19 संक्रमण को लेकर तमाम एहतियात भी बरते गए हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 2 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर के भोगनीपुर कस्बे में हाई वोल्टेज बिजली लाइन तार गिरने से दुकान खाक। आग की लपटों से पूरी तरह दुकानें हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जालौन कोतवाली में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार जंपर ने पैदल जा रहे व्यक्ति को रौंदा। ट्रक के नीचे दबकर हुई व्यक्ति की मौत। शव को जेसीबी से बाहर निकाला गया। नवरात्र शुरू होते ही हर जगह माता के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जौनपुर में स्थित माता शीतला चाकिया का दर्शन पूर्वांचल के लोगों के लिए माना जाता है बेहद महत्वपूर्ण। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के खंबा नवंबर 46 में नियंत्रित कार ट्रक से टकराई। 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल। नाजुक हालात में चिकित्सक ने किया जिला मेडिकल कॉलेज रेफर। गुड़गांव से कानपुर जाते समय रास्ते में हुआ हादसा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं बेटियों और बच्चों की सुरक्षा सम्मान को अभियान का रूप देते हुए मिशन शक्ति का श्री गणेश किया। साथ ही मैनपुरी के सदर बाजार में सीटीओ आईएस इंशा प्रिया अपने पति ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऋषिराज के साथ सदर बाजार में घूम रही बेटियां महिलाओं को सड़क पर ही रोककर उनका हालचाल जाना। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी पर बरसाई गोलियां। साथ ही मौके से रफू चक्कर हो गए बदमाश। पीड़ित ने गांव के ही 2 युवकों पर गोली मारने का लगाया आरोप। पीड़ित की हालत नाजुक। डॉक्टर ने जिला अस्पताल से लखनऊ किया रेफर। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 के उदय होटल के पास ओवरलोड वाहनों का जनपद में बोलबाला। ओवरलोड ट्रक ने पुलिस की हाईवे 5 में मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से 2 सिपाही घायल। पुलिस ने घायल सिपाहियों को कराया अस्पताल में भर्ती। 1 सिपाही की हालत फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर में युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में सर्वेश यादव की मौत का मामला आया सामने। परिजनों ने पुलिस के सड़क हादसे की बात पर उठाए सवाल। सपा विधायक के पुत्र सहित सैकड़ों की तादाद में लोगों ने थाने पर काटा हंगामा। कानपुर में दबंगों ने बाप बेटे को जिंदा जला दिया। जमीन के विवाद में दबंगों ने पहले बाप बेटे को बेरहमी से पीटा, उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। गंभीर हालत में बाप बेटे को उर्सला रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साढ़ थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव का मामला बताया जा रहा है।
हाथरस हत्याकांड मामले में अलीगढ़ पहुंची 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची है सीबीआई की टीम। गुड़िया का इलाज करने वाले डॉक्टरों से करेगी पूछताछ। लंबे समय तक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था गुड़िया का इलाज। चारों आरोपियों से भी कर सकती है सीबीआई पूछताछ। गैंगरेप के मामले में अलीगढ़ जेल में बंद है आरोपी। मेरठ में नाराज पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पति को पिला दिया। जहर पीने से पति की हालत नाजुक बनी हुई है। 1.5 साल पहले हुई थी दोनों की लव मैरिज। पत्नी अब दूसरी शादी करना चाहती थी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मेवगढ़ी का मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र में वन दारोगा और खनन करने वाले लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। चौपन थाना क्षेत्र के तिलगुड़वा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की गई। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चौपन भेजा गया। वहां से घायलों की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल भेज दिया गया। सहारनपुर में शराब पीने के लिए पानी दोबारा मांगने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। दबंगों ने महिला और उसके पुत्र के साथ मारपीट की। झगड़े में घायल महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। थाना कुतुबेश्वर क्षेत्र के न्यू एकता कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। लखनऊ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा होर्डिंग लगाते समय हुआ है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोमती नगर थाना क्षेत्र के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास का मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सो रहे व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। अज्ञात बदमाशों ने सोते वक्त व्यापारी पर तेजाब फेंका, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से झुलस गया। घायल व्यापारी की हालत गंभीर बनी है। व्यापारी को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। मितौली थाना के पकरिया गांव का घटना बताया जा रहा है। गाजमपुर उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी कुलदीप संखवार पर आचार संहिता के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे, जिसके तहत उनके खिलाफ घाटमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा में एयरफोर्स अधिकारी को लड़की की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने वाले शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल और अश्नेरा पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर लड़की बन फर्जी फेसबुक आईडी से झांसे में लेकर करता था ब्लैकमेल। अलीगढ़ के 3 सब इंस्पेक्टर द्वारा होटल में वर्दी पहनकर खाना खाते वक्त शराब पीने का वीडियो सामने आया है। पड़ोसी जनपद बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में पी रहे थे शराब। वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी ने कार्रवाई की है। 3 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही मामले की जांच एएसपी विकास कुमार को सौंपी गई। कन्नौज पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने अधेड़ उम्र के रिटायर्ड शिक्षक पर बिना किसी जांच के चालान काट दिया। साथ ही उनके घर समन भिजवा दिया, जिसमें लाखों के जमानत की बात भी सामने आई। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाले 2 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम इस गिरोह की तलाश में काफी दिनों से जुटी थी। कानपुर में झांसी रेलवे लाइन पर 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों मृतकों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। शवों को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीलीभीत में नगर कोतवाली क्षेत्र में नगर पालिका का एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां नगर पालिका एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखी है। एक तरफ जहां पराली और प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक है, तो वहीं उसके बावजूद पालिका प्रशासन शहर की सीमा पर कूड़े पर आग लगाकर शहर की आबोहवा को प्रदूषित करने में लगी है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ गांव और शहरों में डेंगू और कई विचित्र बुखार ने दस्तक दे दी है। कन्नौज जिले की तालाग्राम क्षेत्र के रौतमई गांव पूरी तरह से डेंगू और विचित्र बुखार के प्रकोप में है। बीते 1 महीने में डेंगू और कई बुखार से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गाँव में कई लोग बीमार। उत्तराखंड में फिर बढ़ा है कोरोना का आंकड़ा सामने आया है। 606 नए मामले, कोरोना से 6 नए लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 57,000 के पार।
उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम का बिगड़ा है हाल। कई अस्पतालों ने कोरोना से मौतों को छुपाया है। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में अब यह मामला सामने आया। प्रदेश सरकार के विभागों में नियुक्तियों पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाए हैं सवाल। कहा है कि सरकार ने पिछले 4 सालों से कोई रोजगार नहीं दिया, अब चुनावी साल के चलते सरकार रोजगार दे रही है। कांग्रेस ने रोजगार के मामले में त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के रोजगार के आंकड़े पेश करने की बात कही है। साथ ही बताया कि बीजेपी ने बेरोजगारों को 3 गुने रोजगार दिए हैं। शीतकाल के लिए बंद हुए चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट, अब श्रद्धालु गोपीनाथ में कर पाएंगे भगवान रुद्रनाथ के दर्शन। उत्तराखंड की बहुप्रशिक्षित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसकी जांच में कई छात्र ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करते हुए पाए गए हैं, जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं लिखित परीक्षा में बैठने वाले अन्य छात्रों ने सरकार से परिणाम जारी करने की मांग की है। रामनगर के वन प्रभाग के बंजारपानी क्षेत्र में फोटोशूट के दौरान स्पॉट ब्लैक ईगल आउल नजर आया। बता दें कि ये एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवाल ने अपने कैमरे पर कैद किया है। राज्य में कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो अब मजाक बनते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से ये अनोखा कारनामा दिखाई दिया। यूं तो पीपीई किट पहनने और इसके डिस्पोजल को लेकर कुछ नियम बने हैं, लेकिन उन नियमों का पालन देहरादून में नहीं हो रहा। नवरात्र शुरू होते ही चंपावत के पूर्णागिरी धाम में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। जनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकार ने बताया कि सुरक्षा के लिए 8 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 15 कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। राज्य के प्रमुख नगरों में अब वन विभाग की ओर से वन नगर बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें अब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के साथ ही सैर सपाटा की इच्छा रखने वाले लोगों को खासा लाभ मिलेगा। देहरादून, कोटद्वार समेत कई प्रमुख नगरों को वन विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है, जहां वन नगर स्थापित किए जाएंगे। रुड़की के ननहेड़ा, अनंतपुर और करौंदी गांव में कुचू का आटा खाने से लगभग 3 दर्जन लोग अचानक बीमार होने से अफरा तफरी मच गई। सभी मरीजों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गंगनहर बंद होने के बाद कुंभ मेला प्रशासन ने आज सूखी गंगा में उतरकर सफाई गंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत समेत पूरा कुंभ मेला प्रशासन गंगा सफाई में जुटा रहा। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार, रामनगर के प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में कोविड के बाद भी श्रद्धालुओं का तांडा लगा है। कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच एक पहाड़ी टीले पर स्थित गिरिजा मंदिर को लेकर स्थानीय जनमानस में गहरी आस्था है। उत्तराखंड वन महकमे का मुखिया इस महीने बदलने जा रहा है। जी हां, प्रदेश में वर्तमान प्रमुख वन संरक्षण जयराज आगामी 31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में नए प्रमुख वन संरक्षण को लेकर सरकार में मंथन शुरू हो गया है। कई नामों पर चर्चा भी हो रही है। उत्तराखंड के मंदिरों में नवरात्र की रौनक है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखी है। भक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। जसपुर क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। एक बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। बच्चे का शव उत्तराखंड वन विभाग की मकोनिया रेंज में मिली है। उत्तरकाशी में 2 ट्रैक्टरों को बचाया गया। 48 घंटे के सर्च और रेस्क्यू के बाद केदार कांठा ट्रैक पर भटके 2 लोगों को मोरी पुलिस ने खोज निकाला है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के अनुसार जल्दी प्रदेश भर में 70 के 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यालय खोले जाएंगे।
सीमांत खटीमा विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। रामपुर में रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे आईजी रमित शर्मा। आईजी ने पीड़िता से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। दरअसल गन प्वाइंट पर विवाहिता से पटवाई थाने में रेप किया गया था। थाने में तैनात सिपाही ने रेप किया था। मामले में रामपुर पुलिस पर आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओ पटवाई मनोज कुमार और चार सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। बदायूं में वो कुटू के आटे का सैंपल लेना खाद विभाग टीम को महंगा पड़ गया। दुकान पर कंपनी के निर्माता सहित कई लोग पहुंच गए और टीम के हाथ से सैंपल छीन लिया और जमकर हंगामा काटा है। टीम को भागना पड़ा। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया। दुकान रात के 9 बजे के बाद तक खुली थी, जिसके कारण पुलिस को गुस्सा आ गया और पुलिस ने तोड़फोड़ कर सामान बाहर फेंक दिया। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में मंजी के सामने रोडवेज बस से बचाने के चक्कर में धान से भरा ट्रक रोड पर उतरते हुए पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से ट्रक को हटा दिया। बता दें कि सड़क के गड्ढा होने की वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं। पहले भी यहां कई वाहन पलट चुके हैं। बुलंदशहर में ककोर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते शराबी सभासद ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने देर रात घटना को अंजाम दिया। घायल युवक को हर मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। 35 घायल, 11 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। रायबरेली जिले के शहर कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने कोतवाली परिसर में हल्ला बोल दिया। प्रधान ने महिलाओं के साथ जाति सूचक गाली का प्रयोग भी किया, जिस वजह से सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी। उन्नाव थाना बिहार के भाजन खेड़ा मामले में आरोपी पक्ष बैठा धरने पर, कहा पूरे प्रकरण पर हो सीबीआई की जांच। बेगुनाह लोग जा रहे हैं जेल। पिता भाई परिवार जा चुका है जेल। पीड़िता पक्ष के लोग जबरन कर रहे हैं परेशान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कोरोना काल में फूलों की खेती कर रहे किसानों को हो रही है भारी नुकसान। वहीं अब किसानों को आने वाले दिवाली और नवरात्रि त्योहारों से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जिले में फूलों की खेती करने वाले किसान बड़े पैमाने पर कमल के फूलों की खेती करते हैं। वहीं दीपावली पर किसानों को फूलों की डिमांड जो है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। लखीमपुर खीरी में बेलगाम हुए भाजपाई पुलिस हिरासत में रखे गए शख्स को जबरन छुड़ाने का आरोप लगा है। मोहम्मदी थाना से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छुड़ा है। बीजेपी एमएलए लोकेंद्र प्रताप और उनके समर्थकों पर लगा है ये आरोप। प्रतापगढ़ से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दारोगा वीरेंद्र तिवारी ने घर में अकेली महिला को बुरी तरह से पीटा है। जमीन विवाद को लेकर मौके पर पहुंची थी पुलिस। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बेकाबू हुआ है कंटेनर। डिवाइडर से टकराकर एक्सप्रेस वे पर पलटा है कंटेनर। सड़क हादसे का वीडियो भी वायरल है। अलीगढ़ की पुलिसकर्मियों का शर्मसार करने वाला वीडियो जो है वो सामने आया। पड़ोसी जिले बुलंदशहर के होटल में पी रहे थे शराब। वर्दी पहनकर शराब पी रहे थे पुलिसकर्मी। खाना खाते वक्त पी रहे थे शराब। मामला सामने आने पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। तीनों पुलिसकर्मियों को किया गया है लाइन हाजिर। एएसपी विकास को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के सरगांव खुर्द में चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर फट गया।
गैस सिलेंडर फटने से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में 6 लोगों को जिला अस्पताल में भेजा गया। 5 लोगों को सीएचसी जीरापुर में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में दरिंदों ने दलित युवती से रेप किया है। परिजनों ने पड़ोस के ही 2 युवकों पर आरोप लगाया है। 2 दरिंदों ने तमंचे के दम पर युवती से गैंग रेप किया। गिरौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए आरोपी। परिजनों ने पुलिस से लगाई है मदद की गुहार। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में 3 ट्रक अवैध पटाखा बरामद हुआ है। पुलिस ने किया है 3 लोगों को गिरफ्तार। गुलाब गोशी मस्जिद के पास बरामद की गई। प्रतापगढ़ की रानीगंज थाना क्षेत्र के भाग्यपुर गांव में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। दारोगा वीरेंद्र तिवारी ने घर में अकेली महिला को बुरी तरह से पीटा है। दारोगा ने महिला सिपाहियों के साथ मिलकर महिला को जमकर पीटा है। जमीन विवाद में मौके पर गई पुलिस ने महिला को बनाया है शिकार। झांसी के सीपरी थाना इलाके में बदमाशों के गैंगवार का वीडियो वायरल हुआ। बदमाशों के 2 गुटों ने सड़क पर तांडव मचाया है। पुलिस के सामने दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बागपत के खेगड़ा थाना इलाके के बड़ा गांव में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुआ है कंटेनर। डिवाइडर से टकराकर एक्सप्रेसवे पर पलटा है कंटेनर। सड़क हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ। घायल कंटेनर चालक का चल रहा है इलाज। रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने 2 बार शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, फिर शादी करने से किया इनकार। मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर में नाबालिग चोर की कारस्तानी सामने आई है। महिला की कार से लैपटॉप उड़ा ले गया नाबालिग। सीसीटीवी में कैद हुई है दिन दहाड़े चोरी की वारदात। सोचे वाले बाबा मंदिर में दर्शन के लिए आई थी महिला। इटावा की ताका तहसील में सामने आया रिश्वतखोर बाबू। रिश्वतखोर बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर किसान से ली थी रिश्वत। तहसील परिसर में रिश्वत लेते बाबू कैमरे में कैद हुए। बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जेल में बंद विजय मिश्रा पर लगा है रेप का आरोप। 2014 से बंदूक की नोक पर रेप करने का आरोप लगा है। भदोही के गोपीगंज थाना में महिला ने दर्ज कराई है FIR। नौकरी दिलाने के नाम पर विजय मिश्रा ने किया है दुष्कर्म। विधायक ने व्हाट्सएप कर महिला से की थी अश्लील बातें। विजय के बेटे समेत 2 लोगों पर रेप का आरोप लगा है। जालौन में सरेआम अपहरण का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। दिन दहाड़े आधा दर्जन बदमाशों ने दुकानदार का अपहरण किया। जालौन में पुलिस से बेखौफ हुए हैं बदमाश। पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्था। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज हिला देने वाला है। मैनपुरी के गिरौर थाना इलाके में दबंगों की पिटाई से घायल मजदूर ने तोड़ दिया दम। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दबंग करते थे परेशान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया है आरोप। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधम सिंह नगर जनपद की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने मंडी समिति किच्छा पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना है। किसानों की धान तोल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही शासन के नियमानुसार अधिकारियों को धान तोल के निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सिस्टम बेहाल है। उत्तराखंड में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। राजकीय अस्पतालों में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आंकड़े छुपाए जाने के मामले को गंभीर माना है। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर शराब और खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के द्वारा कांग्रेस का दुष्प्रचार किया गया था। चमोली में जोशीमठ के बड़ा गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आज तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजनाओं के डैम साइट पाइपा चौरमी एजेट साइट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की।
गर्मा गर्म जलेबी का मजा ले रही फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर शेयर किया है ये मजेदार वीडियो। एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ ही कैप्शन में खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मौसम सुपर कूल है, जलेबी सुपर हॉट। दो सुपर ओवर खेलकर पंजाब ने मुंबई को मार दी है। क्रिकेट इतिहास में ये अनोखा रहा जब एक ही मैच में हुए हैं दो सुपर ओवर। सुपर ओवर में केकेआर का धमाका, सनराइजर्स हैदराबाद से छीनी जीत। कप्तान जॉन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक की जोड़ी ने मचाया धमाका।